हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्तिकास किचन। आज हम बनाएंगे पप्पू चारू यानी टोमेटो सांबार यानी टोमेटो दाल। शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। इंग्रेडिएंट्स: दाल 1.5 कप, इमली का जूस टैमरिंड 1/2 कप, ऑनियन 1, सॉल्ट एज पर टेस्ट, मस्टर्ड सीड्स एंड उड़द दाल 1 टीस्पून फॉर सीजनिंग, ग्रीन चिलीज 4 और 5, मेथी सीड्स 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, रेड चिलीज 2, 1 टीस्पून सांबर पाउडर, गार्लिक 3, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, करी लीव्स फ्यू, हिंग 1/2 टीस्पून। बनाने की विधि: सबसे पहले दाल को अच्छी तरह से धोकर भिगाना है 20 मिनट्स तक। फिर स्टोव ऑन कर कुकर में दाल, हल्दी 1/2 टीस्पून डालकर ढक्कन लगा दें और 2 या 3 विसल्स आने तक बॉईल करना है। दाल बॉईल हो जाने के बाद दाल को एक अलग बर्तन में लेकर उसे मैश कर लीजिए और उसे साइड रख लीजिए। अब एक पैन लीजिए, उसमें 2 टीस्पून ऑयल डालिए, क्रस्ट 3 या 4 गार्लिक डालें, मस्टर्ड सीड्स और उड़द दाल मिक्स वाला 1 टीस्पून डालिए, मेथी 1/2 टीस्पून डालिए, जीरा डालिए, 2 रेड चिलीज, करी लीव्स, अ पिंच ऑफ हिंग। अच्छे से मिक्स करें। फिर ऑनियन स्लाइसेस, डालकर थोड़ी देर भूनिए। ग्रीन चिलीज डालिए। टमाटर को लंबे स्लाइसेस में काट लीजिए और इसे भी डालकर फ्राई करें। अब नमक डालिए स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स करते रहिए। रेड चिली पाउडर डालिए, हल्दी और मिर्ची डालकर मिक्स करते रहिए। अब सांबर पाउडर डालिए, फिर थोड़ा सा और फ्राई करें और थोड़ा सा पानी डालकर उसे पकने दें, बॉईल होने दें। लिड से कवर करें 3 मिनट तक। इसे लो मीडियम फ्लेम में पकाना है। अब लिड हटाकर इमली का रस इसमें डालिए और अच्छे से मिक्स करके बॉईल होने दीजिए। करी लीव्स डालिए। इस तरह से डालने से इसकी खुशबू और बढ़ जाती है। अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है। मैंने कुकर में का जो दाल उतार कर जो मैश करके रखा था उस बर्तन को अब गैस पर रखिए। देखिए इस तरह से पकना चाहिए। अब सारा मिश्रण इसमें डाल दीजिए और थोड़ा पानी ऐड करें।
इसे 5 से 7-8 मिनट तक पकने दीजिए। बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहिए ताकि नीचे लग ना जाए। थोड़ा सा स्वाद के लिए गुड़ अवश्य डालें। टोमेटो सांबर तैयार हो गया है, इसे पप्पू चारू भी कहते हैं। इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए घर में बनाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।